हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बना लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, अब उसमें पंच फोरन डालेंगे, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, सौंफ, जीरा, आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। मटर डालेंगे 30 सेकेंड के बाद, हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। एक डेढ़ मिनट पकाएंगे, फिर इसमें मैं धनिया और सोया दोनों डाल रही हूँ। इस समय मेरे घर में सोया था तो मैं सोया भी डाल दे रही हूँ, उससे भी स्वाद अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड मसाला। जो ये होममेड मसाला मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे पहले ही डाल दी है। मसालों को अच्छे से चलाएंगे, कुछ 30 सेकेंड से 1 मिनट तक भुनेंगे। इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे और आलू को इसमें थोड़ी देर भुनेंगे। अब बस आलू को 5-6 मिनट भुनेंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। फिर उसमें हम आधा नींबू डालेंगे, नींबू को अच्छे से पूरे मसाले में मिला लेंगे और फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। एक बार इस तरीके से आप ब्रेड रोल बना के देखिए, टेस्टी पक्का बनेंगे, गारंटी है। अब ब्रेड की एक स्लाइस लेंगे, उसको पानी में डालेंगे और निचोड़ लेंगे पूरा पानी। इस चीज़ की चिंता ना करें कि ब्रेड टूट जाएगा, टूट जाएगा तो कोई बात नहीं। अब सेंटर पे जो है हम अपना ये स्टफिंग रखेंगे और चारों तरफ से ब्रेड को सेंटर पे ले आके उसे गोल गोल करके इसे हम बॉल की तरह बना लेंगे, पूरा पानी निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के किनारे काट भी सकते हैं, पर मैं नहीं काटती हूँ। तो ऐसे सारे ब्रेड बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं, अब बस इन्हें तल देंगे। अब जो कढ़ाई में तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा और ठंडा भी नहीं रहेगा, हमें इसमें इसको तलना है। तलते समय सावधानी रखें, कई बार तेल छटक जाता है। एक बार तो मैं ऐसे ही अंडे फ्राई कर रही थी और तेल छटक गया था मेरे चेहरे पे, काफ़ी दिन तक दाग था। तो ब्रेड रोल को आराम आराम से, प्यार प्यार से उलट पुलट के बस इसमें तलते रहें। देखिए हमारा ब्रेड रोल जो है वो एकदम तैयार हो गया है, तल चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ऐसे ही बाकी के ब्रेड रोल को तल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।